हे गाइस, वेलकम टू सलोनी ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ आज कॉलेज, और कॉलेज से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ। बहुत रोना आ रहा है यार, पेपर नहीं दे पा रहे हैं। सच में बहुत बेकार लग रहा है सच में यार। कोई मेरे अकाउंट में प्लीज 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दे। क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? ऑनलाइन भीख मांग रही हूँ। पागल ऐसे नहीं बनते। ए हमसे पूछिए तुम क्या कर रहे हो, हमने कहा ऑनलाइन भीख मांग रहे हैं। क्या दे रहे ये तो बता। पैसे दे दे पापा, कुछ पैसे दे दे। क्यों नहीं, क्यों नहीं एग्जाम देने दिए? पता क्या हुआ, मेरी उन्होंने मुझसे कहा कि पूरी फीस ना चाहिए, थोड़ी ही जमा कर दो, और मैं पास थोड़ी फीस ला के दे दी। अब जो एग्जाम देने आई तो बोल रहे पूरी फीस देनी थी, और एग्जाम रूम से बात कर दिया तो हो गया मोए मोए। भीख मांगने के लिए मुझे पता चल गया। और मैं सच बताऊँ, मैंने भी नहीं बताया था घर पे कि मुझे फीस जमा करनी है। देखो भाई, सलोनी एक हेयर डिजाइनर भी है जो कि हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह कुछ भी कुछ भी, जो कि मेरे बाल बांध रही है। आप सलोनी ये कौन सी डिजाइन है? अरे यार तुम देखो, ये जो है सलोनी, ये एक बहुत गंदी वाली हेयर स्टाइलिस्ट है। गंदी वाली छोड़, जो कि मेरे बाल बांध रही है। ये कौन सी डिजाइन है? ये खजूर डिजाइन है। खजूर खजूर, इसमें अभी जो ये बाल पड़ेगा, मेरे बाल जब बन जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे से खजूर लटकेंगे। तो जब खजूर लटकेंगे तो मैं थोड़े इसके घर पे देकर आऊंगी, थोड़े क्लास में सबको दूंगी। और पहले गाइस पेपर नहीं दे पा रही है, पहले पेपर नहीं दे पा रहे, मुझे इसका थोड़ा सा गम है। पर लॉजिक नहीं है इसका कि पेपर नहीं दे पा रहे हम लोग, और यहाँ पे बाल बांध रहे हैं ना। हाँ क्या बताएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि कुछ पैसे दे दो हम लोगों को, कि हम लोग हम दिखाते हैं बाल बांध के इसका फाइनल लुक। नहीं, फाइनल रिजल्ट। ये रहा इनका फाइनल लुक रिजल्ट। ये छोटी कैसी लग रही है? कैसी लगी तुम्हें? मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। इनका हेयर स्टाइल करने तो अभी ये खुले बाल में कैसी लग रही है, आफ्टर बिफोर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो कौन सा स्टाइल करवाओगी? ये कौन सा स्टाइल होता है? यहाँ जो उस दिन किया था उस दिन। चलो तो इनका फटाफट तुम चोटी करते हैं। तो पेपर देने आए थे तो क्या कर रहे पेपर देने आए थे पर जो कि बहुत चोटी तरीके से निकाल दिया गया था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये क्या है? वेटिंग फॉर पेमेंट। अच्छा तो ओके, अब जा रहे हैं इनका हेयर स्टाइल बनाने। क्या कर रहे हो तुम सब? वैसे आप लोगों का एग्जाम था आज? एग्जाम था तो आप तो विदे नहीं। क्या हुआ एग्जाम का? आप ही बताइए क्या हुआ एग्जाम का। हम लोग का फीस नहीं जमा, इसलिए नहीं देना दिया गया। बचपन से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और देखो बड़े होके ऐसा। वैसे जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था ना आज। अच्छा, ये हमारे कॉलेज आप मुझे बताएंगी डायरेक्टली? ठीक मांग रहा है हमारा कॉलेज।
इनडायरेक्टली भीख मांगो। आप मुझे बताएंगी कि कौन से गाइस, ये रहा समीक्षा की फाइनल लुक और ये मैंने बनाया छोटी। रुको इधर से दिखाती, इधर देख, अरे देख इधर देखो कैसा लग रहा है तुम्हें, अरे इधर बताओ मुझे कैसा लग रहा है। जैसा कि ये आप मेरा हेयर स्टाइल देख रहे होंगे आप लोग, मुझे बहुत ही पसंद आया और ये चोटी मैं अक्सर करवाती हूँ जलोनी से जब भी हम दोनों साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाती है अक्सर, मैंने भी सारे हेयर स्टाइल आते हैं। चलो घर चले, चलो चलो चलते हैं। ए दीदी चलो सभी हम लोग जा रहे घर, पेपर तो हम लोग दे नहीं पाए तो अभी हम लोग जा रहे घर। चलो सभी अरे यार बहुत बेकार लग रहा है यार, आज जाते हुए मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। क्या बताएंगे यार घर पे, हम भी कल नहीं आएंगे, देख लेना पक्का नहीं आएंगे, फीस भी नहीं जमा करेंगे, फीस कल जमा करने का क्या होगा, कल वाला पेपर नहीं देना। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, बाय बाय। मैं देना हूँ 15